कंपटीशन रिएक्शन जिसमें हमने डाइल जेंटर रिएक्शन पढ़ा था, दैट वाज अ 4+2 साइक्लोडेशन रिएक्शन। तो लास्ट लेक्चर के एंड पे हमने एक बात कही थी कि साइक्लोडेशन रिएक्शन जो है वो कुछ रिएक्शन फोटोकेमिकल हैं और कुछ रिएक्शन जो है वो थर्मली होते हैं। फोटोकेमिकल और थर्मल रिएक्शन में हमने फर्क ये कहा था कि उनकी नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स में जब फर्क आएगा तो वहां पे फिर मोड ऑफ रिएक्शन जो है वो डिफरेंट होगा। जो फोटोकेमिकली यहाँ पे हमने कहा था हो रहा है वो हो सकता है कि थर्मली ना हो, जो थर्मली हो रहा है वो फोटोकेमिकली ना हो, लेकिन कुछ जो है वो बहुत हो जाते हैं। तो ये पेरिसाइक्लिक रिएक्शन की एक टाइप है साइक्लोडेशन रिएक्शन, जिसमें हमने ये कंक्लूड किया था कि ये जो 4+2, ये पिछली स्लाइड अगर आप देखें इसमें ये हमने कंक्लूड किया था कि 4+2 साइक्लोडेशन रिएक्शन जो है ये थर्मली होगा और 2+2 जो है वो फोटोकेमिकली होगा। अब ये ऐसा क्यों है? तो इसको स्टडी करने के लिए हम जाएंगे फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अप्रोच पे। फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अप्रोच में ये है कि वहां पे हम यूज करते हैं फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होमो एंड ल्यूमो। तो दो तरह के इसमें ये अगली स्लाइड में अगर हम देखें एक रिएक्टेंट का होमो और दूसरे का ल्यूमो जो है वो ओवरलैप करते हैं तो उस वक्त ये साइक्लोडेशन रिएक्शंस होते हैं। आप किसी एक का होमो ले सकते हैं किसी और दूसरे का ल्यूमो लेंगे। अगर हम डाइन का होमो ले रहे हैं तो डाइनोफाइल का ल्यूमो लेंगे, अगर डाइन का ल्यूमो ले रहे हैं तो डाइनोफाइल का होमो लेंगे। होमो ऑफ वन विल इंटरेक्ट विद द ल्यूमो ऑफ द अदर मॉलिक्यूल। तो अब ये पिछली स्लाइड पे, तो दो तरह की ये ओवरलैपिंग हो सकती है इसमें, एक सुपराफिशियल ओवरलैपिंग और एक कहलाती है इंटराफिशियल ओवरलैपिंग। जब ये देखें सुपराफिशियल ओवरलैपिंग अकर्स व्हेन लाइक फेजेस ऑफ पी ऑर्बिटल ऑफ बोथ रिएक्टेंट आर ऑन द सेम साइड ऑफ द पाई सिस्टम। यानी कि ये एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है और इसके ये जो दो लोब्स हैं ये एक ही फेस पे हों, एक ही साइड पे हों तो उस वक्त, और दूसरे के भी उसी साइड पे हों तो उस वक्त जो ओवरलैपिंग होगी उसको हम कहेंगे सुपराफिशियल ओवरलैपिंग। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखें, ये फर्ज करें कि ये डाइन है और ये नीचे वाला जो है ये डाइनोफाइल है, तो इसके भी ये दोनों लोब एक साइड पे है जो ओवरलैप कर रहे हैं और इसके भी दोनों जो है वो एक साइड। तो यहाँ पर आप देखेंगे दो तरह की ओवरलैपिंग हो सकती है, एक ओवरलैपिंग होती है सुपराफिशियल ओवरलैपिंग और एक ओवरलैपिंग होती है इंटराफिशियल ओवरलैपिंग। जब दोनों लोब सेम साइड पे होंगे दोनों रिएक्टेंट्स के तो उस वक्त जो है वो सुपराफिशियल ओवरलैपिंग होगी। फॉर एग्जांपल ये अगर हम पहले केस की बात करें तो पहले केस में अगर आप देखें तो यहाँ पर ये जो दो लोब जिन्होंने ओवरलैप करना है और दूसरे रिएक्टेंट के दो लोब जिन्होंने ओवरलैप करना है वो दोनों एक ही फेस पे हैं, एक ही साइड पे हैं। इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो किस कलर के हैं, ये इससे फर्क पड़ता है कि वो एक ही साइड पे हैं कि नहीं। अगर वो एक ही साइड पे हैं तो दैट इज सुपरफिशियल ओवरलैपिंग बॉन्ड फॉर्मेशन। और अगर जैसे ये नीचे वाले केस में आप देखें कि ये, अब मैंने आपको पहले कहा था कि एक तरह के लोब्स जो हैं दे विल लाइक फेजेस जो हैं दे विल ओवरलैप, जो डिफरेंट फेजेस होते हैं वो ओवरलैप नहीं, कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग नहीं होती वहां पे। अब ये ब्लू ने ब्लू के साथ जब ओवरलैप करना है तो यहाँ पे तो हो गया, अब इसका होगा ब्लू के साथ लेकिन वो ब्लू दूसरी साइड पे है तो उसको जो है रिएक्शन करने के लिए इस तरह ट्विस्ट होना पड़ता है, ट्विस्ट होके फिर ये रिएक्शन होता है। अब जब ये स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं, स्मॉल मॉलिक्यूल्स फॉर एग्जांपल जब आपके पास रिंग बनना हो 3-membered, 4-membered, 5-membered, 6-membered, 7-membered, यानी कि साइक्लोडेशन रिएक्शन, ऐसे साइक्लोडेशन रिएक्शन जिनके प्रोडक्ट मतलब 2+2, ये जो पिछली में अगर हम देखें पिछली स्लाइड में तो ये जो 2+2 था इसमें कितने मेंबर रिंग बना है 4 मेंबर, ये 4+2 में कितने मेंबर बना है
सिक्स मेंबर्ड, इसी तरह फाइव मेंबर्ड या सेवन मेंबर्ड बन रहे हो, तो उस वक्त मॉलिक्यूल के साइज की वजह से ये ट्विस्टिंग पॉसिबल नहीं होती, तो फिर ये रिएक्शन नहीं होता। ये ट्विस्टिंग पॉसिबल है अगर मॉलिक्यूल का साइज जो है वो बड़ा होगा, यानी कि लार्जर रिंग बनने का चांस होगा, तो उस वक्त ये ट्विस्टिंग पॉसिबल होती है। लेकिन जो नॉर्मल रिंग बनते हैं, जैसे थ्री मेंबर्ड, फोर मेंबर्ड, फाइव मेंबर्ड, सिक्स मेंबर्ड, सेवन मेंबर्ड, तो वहां पे ये ट्विस्टिंग नहीं हो सकती, तो ये रिएक्शन नहीं होगा। तो इंटराफिशियल ओवरलैपिंग स्मॉल मॉलिक्यूल्स में नहीं होती, लेकिन लार्जर मॉलिक्यूल्स में हो सकती है। तो सुपराफिशियल ओवरलैपिंग होगी तो रिएक्शन होगा। अब हम ये कह रहे हैं कि हम एक का डाइन लेंगे और एक का ल्यूमो लेंगे और दूसरे का ल्यूमो लेंगे। आप डाइन का होमो ले लें या ल्यूमो ले लें, तो दूसरे का ऑपोजिट लेंगे। डाइन, अगर डाइन का होमो ले रहे हैं तो डाइनोफाइल का ल्यूमो लेंगे, अगर डाइन का ल्यूमो ले रहे हैं तो डाइनोफाइल का होमो लेंगे। अब हम अगर इसका फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनालिसिस करें, तो अब हमें सबसे पहले वापस वहीं जाना होगा जब एटॉमिक ऑर्बिटल मिलते हैं तो वो बनाते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब ये जो डाइईन है, ये 1, 2, 3, 4, 1, 3 ब्यूटा डाइईन, तो इसमें चार कार्बन हैं जो कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं। हर कार्बन के ऊपर एक पी ऑर्बिटल है और वो एटॉमिक ऑर्बिटल मिलके चार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे। ये हम इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस में पढ़ चुके हैं, 5-1, 5-2, 5-3, 5-4। इसमें अगर हम इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो दो इसमें आगे तो होमो विल बी दिस 5-2। लेकिन जब ये फोटोकेमिकल रिएक्शन होगा तो वन ऑफ इलेक्ट्रॉन विल मूव फ्रॉम दिस होमो टू द ल्यूमो और होमो ये 5-3 हो जाएगा। और जब ये दो कार्बन डाइनोफाइल की बात करेंगे तो उसमें दो कार्बन है, दो पी ऑर्बिटल मिलके दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे, एक होगा होमो और दूसरा होगा ल्यूमो। अब हमने क्या करना है कि फर्स्ट करें हम किसी एक का ल्यूमो ले लेंगे, किसी एक का होमो ले लेंगे। तो अब यहां पे अगर देखें, अगर हम डाइन का होमो लेते हैं, डाइन का होमो क्या था, डाइन का होमो ये है 5-2। इसमें ये ऑपोजिट साइड पे है, ये फेस जो टर्मिनल लोब्स है, टर्मिनल लोब्स की बात करनी है, तो ये डाइन का होमो है। तो डाइनोफाइल का हम लेंगे ल्यूमो, तो ये डाइन का ल्यूमो है, इसमें भी ऑपोजिट फेस पे है। तो अब ये इसके साथ ओवरलैप कर देगा, ग्रीन वाला, और ब्लू वाला ब्लू के साथ कर देगा, तो दिस इज सुपराफिशियल ओवरलैपिंग और सुपराफिशियल बॉन्ड फॉर्मेशन। तो दिस इज अ फेवरेबल कंडीशन और यहाँ पे ये रिएक्शन हो जाएगा, 4+2 थर्मल रिएक्शन हो जाएगा। अब जब हमने ये कहा था कि हम डाइन का होमो ले लें या ल्यूमो ले लें, अगर हम डाइन का ल्यूमो लेते हैं तो डाइनोफाइल का होमो लेंगे, तो उसमें भी आप देखें ये सुपराफिशियल ओवरलैपिंग पॉसिबल है। लेकिन अगर हम जब ये रिएक्शन फोटोकेमिकली कर रहे होंगे, जब फोटोकेमिकली करेंगे तो वन ऑफ द रिएक्शन इलेक्ट्रॉन विल मूव फ्रॉम दिस होमो टू दिस, और यहाँ पे जो होमो है वो चेंज हो जाएगा, 5-3 विल बी द होमो। और इसका अगर हम होमो लेते हैं, होमो ले लिया हमने इसका और ल्यूमो ले लिया हमने डाइनोफाइल का, तो आप जब इसको ये रेड वाला तो रेड से मिल गया, लेकिन ये ब्लू वाला, इस ब्लू से मिलने के लिए ट्विस्टिंग होनी चाहिए। तो अब ये स्मॉल रिंग बनना है, सिक्स मेंबर रिंग, तो सिक्स मेंबर रिंग में ट्विस्टिंग पॉसिबल नहीं होती, तो ये इंटराफिशियल ओवरलैपिंग होगी। तो स्मॉल मॉलिक्यूल्स में इंटराफिशियल ओवरलैपिंग जो है वो नहीं हो सकती। अगर हम इसका ल्यूमो ले लें तो इसका होमो लेंगे, तो उसमें भी आप देख लें ये रेड वाला रेड से तो ओवरलैप कर देगा, लेकिन ये दूसरी साइड पे जो है ओवरलैपिंग के लिए आपको इंटराफिशियल ओवरलैपिंग होनी है, दैट is not possible। तो photochemically ये 4+2 reaction नहीं होगा, photochemically ये reaction नहीं होगा, ये reaction सिर्फ होगा thermally। और 2+, अच्छा बेटा ये बात समझ आ गई है ये सारी, आपको इसमें कोई question है तो आप discuss कर लें मुझसे, ये superficial interficial की समझ आ गई आप लोगों को, फिर हम आगे चलेंगे, पहले इसको आप बता देंगे अगर समझ आ गई है तो। इसे समझ आ गई है, समझ चले।
तो अब ये मैं कंक्लूड दोबारा कर देता हूं कि दो तरह की ओवरलैपिंग हो सकती है, बॉन्ड फॉर्मेशन हो सकती है, वन इज सुपरफिशियल अदर इज इंटराफिशियल। जब 4+2 का हमने फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनालिसिस किया तो वहां से हम ये कंक्लूड किया हमने कि थर्मली ये रिएक्शन सुपरफिशियल ओवरलैपिंग से होता है, फोटोकेमिकली के लिए इंटराफिशियल। लेकिन ये रिएक्शन में क्योंकि प्रोडक्ट 6-मेंबर्ड रिंग है फॉर्मेशन, तो जब 6-मेंबर्ड रिंग बनना होता है तो ये नहीं हो पाता। तो फोटोकेमिकल रिएक्शन का उसके बाद बेटे आ रही है आवाज आप लोगों को? यस सर। अच्छा, उसके बाद है 2+2 साइक्लोडिशन रिएक्शन। 2+2 साइक्लोडिशन रिएक्शन में हम एक का होमो ले लेंगे, दूसरे का ल्यूमो लेंगे। होमो फर्ज करें ये वाला है तो ल्यूमो होगा ये वाला। ये रेड रेड से मिल गया तो ये ब्लू, ये इंटराफिशियल बॉन्ड फॉर्मेशन है, स्मॉल मॉलिक्यूल बनना है, तो थर्मली ये रिएक्शन नहीं हो पाएगा। अब जब ये रिएक्शन हम फोटोकेमिकली कर रहे होंगे तो एक्साइटेड स्टेट होमो ऑफ द अल्कीन विल बी दिस वन, तो ल्यूमो ऑफ द सेकेंड अल्कीन ये होगा, तो ये ब्लू ब्लू से मिल जाएगा और रेड रेड से, तो यहाँ पे ये बॉन्ड फॉर्मेशन सुपराफिशियल होगी। तो अब ये हम यहाँ से फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अप्रोच से ये कह सकते हैं कि ये जो 2+2 साइक्लोडिशन रिएक्शन है ये फोटोकेमिकली हो सकता है, थर्मली नहीं हो सकता क्योंकि वहां इंटराफिशियल ओवरलैपिंग हो रही है ऑपोजिट साइड से। तो यहाँ पे ये सुपराफिशियल ओवरलैपिंग है तो यहाँ पे ये पॉसिबल है बॉन्ड फॉर्मेशन, तो ये रिएक्शन सुपराफिशियली फोटोकेमिकली होगा। जब ये रिएक्शन थर्मली है तो ट्विस्टिंग जरूरी है, तो स्मॉल मॉलिक्यूल जो है वो बॉन्ड स्मॉल रिंग फॉर्मेशन है तो ट्विस्टिंग पॉसिबल नहीं होगी, तो ये रिएक्शन थर्मली होगा ही नहीं। तो अब ये जो हमने शुरू में बात की थी कि 4+2 थर्मली हो जाएगा, फोटोकेमिकली नहीं होगा, 2+2 फोटोकेमिकली होगा थर्मली नहीं होगा, ये बात हमने प्रूफ कर दी बाय यूजिंग फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अप्रोच, जिसमें कंसेप्ट आया सुपराफिशियल और इंटराफिशियल ओवरलैपिंग का। अब इसको हम अगर कंक्लूड करें तो हम ये वुडवर्ड हॉफमैन रूल होंगे, ये है कि अगर इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स हैं, ये जो सिस्टम है, ये जो 4+2 है, इसमें टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स कितने इन्वॉल्व हैं? ये दो डाइन के और एक डाइनोफाइल के, तो टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितने हैं? 3। और यहाँ पे 2+2 में टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स कितने इन्वॉल्व हैं? 2। तो जब इवन नंबर ऑफ ये 2+2 में इवन नंबर है, 2 2 एक ये और एक ये, दो पाई बॉन्ड हो गए तो ये इवन हो गया। जब इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स है तो थर्मली वो इंटराफिशियल से हो रहा है और फोटोकेमिकली वो सुपराफिशियल से। जब ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है, ये 4+2 में ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है, इसमें दो पाई बॉन्ड इसमें हो गए, एक पाई बॉन्ड इसमें, 3 पाई बॉन्ड, तो ये जब ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है तो वो थर्मली सुपराफिशियल होगा और फोटोकेमिकली इंटराफिशियल। अगर जो रिंग बन रहा है प्रोडक्ट में, अगर उसका साइज 8, 9, 10 यानी कि लार्जर रिंग है, तो वहां पे इंटराफिशियल से भी रिएक्शन हो सकता है, बॉन्ड फॉर्मेशन हो सकती है, लेकिन वहां ट्विस्टिंग होगी। लेकिन स्मॉल रिंग्स जो होंगे वहां पे ट्विस्टिंग पॉसिबल नहीं, तो वो रिएक्शन होता ही नहीं है। तो दिस कैन बी ए जनरलाइज वुडवर्ड हॉफमैन रूल्स फॉर साइक्लोडिशन रिएक्शन। यहां से हम बता सकते हैं कि कौन सा रिएक्शन इंटराफिशियल होगा, कौन सा सुपराफिशियल होगा, ये हम जनरलाइज कर सकते हैं फॉर अदर साइक्लोडिशन रिएक्शंस। हेट्रोडाइजेल्डर रिएक्शन, हेट्रोडाइजेल्डर रिएक्शंस इन्वॉल्विंग एटलीस्ट वन हेट्रो एटम। अब ये हमने जो पढ़ा है ना डाइजेल्डर रिएक्शन,
इस डायल-जेल्डर रिएक्शन में ये आप देखें, डायल-जेल्डर रिएक्शन जो हमने पढ़ा था, इसमें एक डाइन है और एक डायनोफाइल है। जो नए बॉन्ड बन रहे हैं वो कार्बन कार्बन बॉन्ड बन रहे हैं, यहाँ पे भी कार्बन कार्बन बॉन्ड बन रहा है, यहाँ पे भी कार्बन कार्बन बॉन्ड बन रहा है। लेकिन जब हम कोई एक हेटरो एटम इन्वॉल्व हो जाता है, जैसे यहाँ पे जो नया बॉन्ड बन रहा है वो बन रहा है कार्बन और सल्फर के दरमियान में, यहाँ पर जो नया बॉन्ड बन रहा है वो बन रहा है कार्बन ऑक्सीजन के दरमियान में, तो जब हेटरो एटम इन्वॉल्व हो जाता है डायल-जेल्डर रिएक्शन में, तो उसको हम कहते हैं हेटरो डायल-जेल्डर रिएक्शन। कार्बन आयन रिएक्ट विद डाइन टू, ये जो कार्बन आयल है, रिएक्ट विद डाइन टू यील्ड डाइहाइड्रोपाइरेन रिंग, ये डाइहाइड्रोपाइरेन रिंग। तो इसको हम, जब ऑक्सीजन इन्वॉल्व है, जब कार्बन आयल आ जाता है तो ऑक्सीजन इन्वॉल्व हो जाती है, तो उसको हम ऑक्सो डाइल्जेल्डर भी कह सकते हैं। यानी कि जनरली इट इज हेटरो डाइल्जेल्डर, लेकिन अगर हम उसको स्पेसिफाई करेंगे, ऑक्सीजन आ गया, हेटरो एटम कौन से है, हेटरो एटम कौन से हो सकते हैं, ऑक्सीजन नाइट्रोजन सल्फर, इनको हम हेटरो एटम्स कहते हैं। अगर ऑक्सीजन आ गया है तो फिर हम उसको कहेंगे ऑक्सो डाइल्जेल्डर रिएक्शन, लेकिन इन जनरल इसको हेटरो डाइल्जेल्डर भी कह सकते हैं। आई मीन्स कैन बी यूज्ड आइदर एज डाइनोफाइल आर एट वेरियस साइट्स इन द डाइन टू फॉर्म वेरियस एन हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। जब नाइट्रोजन इन्वॉल्व होगा तो उसको हम कहेंगे एजा डाइल्स एल्डर रिएक्शन। जिस तरह हमने स्पेसिफाई किया था ऑक्सीजन के लिए ऑक्सो डाइल्स एल्डर रिएक्शन, तो नाइट्रोजन जब इन्वॉल्व होगा तो उस वक्त ये हो जाएगा एजा। तो ये नाइट्रोसो कंपाउंड कैन आल्सो यूज्ड। अब ये कुछ एग्जांपल्स हैं इनकी, ये एजा, ये ऊपर वाले दो जो हैं दे आर ऑक्सा डाइल्जेल्डर, ये एजा, ये थाया है। जब सल्फर आ जाता है तो उसको हम थाया कह सकते हैं। तो अब ये जरूरी नहीं कि ये हेटरो एटम्स डाइल्स डाइन में हो या डाइनोफाइल में, ये दोनों में हो सकता है। मतलब यहाँ पे ये जो रिएक्शन है नाइट्रोजन इन्वॉल्व है, इसमें ये डाइनोफाइल में नाइट्रोजन है। अब ये जो रिएक्शन है इसमें नाइट्रोजन डाइन में इन्वॉल्व है, तो ये दोनों साइड्स पे हो सकता है, डाइनोफाइल पे भी या ये डाइन में भी। तो इस तरह के जो रिएक्शंस होते हैं उनको हम कहते हैं हेटरो डाइल्जेल्डर रिएक्शन। स्पेसिफाई करेंगे तो ऑक्सो डाइल्जेल्डर रिएक्शन, एजा डाइल्जेल्डर रिएक्शन, थाया डाइल्जेल्डर रिएक्शन, इस तरह इसको आप कर सकते हैं। इसके बाद एक कंसेप्ट आ जाता है इनवर्स इलेक्ट्रॉन डिमांड डाइल्जेल्डर रिएक्शन। हमने क्या कहा था जब डाइल्जेल्डर रिएक्शन पढ़ रहे थे, हमने ये कहा था कि डाइईन पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होना चाहिए क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन रिच होने चाहिए, और डाइनोफाइल पे इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप होना चाहिए क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होनी चाहिए। तो ये तो नॉर्मल डाइल्जेल्डर रिएक्शन है, लेकिन अगर हम इनवर्स कर दें, यानी कि साइक्लोडिशन रिएक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन रिच डाइनोफाइल एंड इलेक्ट्रॉन पुअर डाइन, उल्ट हो गया है ना, यानी कि डाइनोफाइल पे हमने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दिया और डाइन में जो है इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप लगा दिया, तो ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं इनवर्स इलेक्ट्रॉन डिमांड डाइल्जेल्डर रिएक्शन। इनको एब्रीवेट किया जाता है इस तरह DAINV या IEDDA से। तो ये जो रिएक्शन है दे आर ऑफन इन्वॉल्व हेटरो एटम एंड कैन बी यूज्ड टू फॉर्म हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। तो मच लेस कॉमन, ये ज्यादा कॉमन नहीं है क्योंकि वो जो रिएक्टिविटी है इनकी वो कम हो जाएगी और ज्यादा ये रिएक्शन जो है वो इनका रेट ऑफ रिएक्शन बहुत कम होगा। तो रिएक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन पुअर डाइन एंड इलेक्ट्रॉन रिच डाइनोफाइल, तो दिस इज एन एग्जाम्पल। मसलन ये डाइनोफाइल है, इसके ऊपर ये मिथॉक्सी ग्रुप लगा हुआ है, इस मिथॉक्सी ग्रुप हमें नॉर्मली डाइनोफाइल पे इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप चाहिए, यहाँ पे हम लगा रहे हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप मिथॉक्सी ग्रुप, तो ये इनवर्स हो गया। इसी तरह ये कार्बोनाइल ग्रुप हम यहाँ लगा रहे हैं, हालांकि हमें डाइन पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नॉर्मली लगाना होता है, तो ये इनवर्स इलेक्ट्रॉन डिमांड डाइल्जेल्डर रिएक्शन है जब ये ऑपोजिट होगा। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप राइज द होमो एंड ल्यूमो, वाइल इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप लोअर्स द होमो एंड ल्यूमो।
अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं उनसे क्या होता है कि वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे होते हैं, जब वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं तो वो उस मॉलिक्यूल के होमो और ल्यूमो को थोड़ा सा राइज कर देते हैं, एनर्जी लेवल उनका थोड़ा सा राइज हो जाता है। अदर साइड अगर देखें तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स जो होते हैं वो उसको थोड़ा सा होमो और लूमो को लोअर करते हैं, एनर्जी उनकी थोड़ी सी लो कर देते हैं। अब फॉर तो इससे रेट ऑफ रिएक्शन क्यों बढ़ता है, जब डाइन पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और डाइनोफाइल पे इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप होगा, तो इसका मतलब है कि ये डाइन का होमो जो है ये थोड़ा सा अबव आएगा, थोड़ा सा हाई हो जाएगा ना। आपने ये लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप राइज सी होमो, ये होमो थोड़ा सा ऊपर को आएगा, और जो डाइनोफाइल पे होमो है उसका मतलब है कि ये इसका ल्यूमो थोड़ा सा नीचे आएगा। तो होमो और लो ये हम जो यूज करते हैं ना इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एट डाइन और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप एट डाइनोफाइल, उससे क्या होता है कि ये होमो थोड़ा सा ऊपर जाएगा, ये ल्यूमो थोड़ा सा नीचे आएगा, होमो ल्यूमो का एनर्जी गैप कम हो जाएगा। जब एनर्जी गैप कम हो जाएगा तो वो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगा और रिएक्शन ज्यादा अच्छे तरीके से हो जाएगा। तो इस वजह से ये हम यूज करते हैं नॉर्मली डाइन पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और डाइनोफाइल पे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। अब अगर हम यहां पे ऐसे करें कि दूसरा जो इनवर्स इलेक्ट्रॉन डिमांड था कि हमने डाइन पे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग लगा दिया और डाइनोफाइल पे जो है वो हमने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग लगा दिया, तो उसमें फिर जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन विल बी लोअर। इंट्रामॉलिक्यूलर डाइलजेंडर रिएक्शन इज आल्सो पॉसिबल। इसमें आप देखें इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन डाइलजेंडर रिएक्शन के डाइन और डाइनोफाइल दोनों एक ही मॉलिक्यूल में है और दे कैन बिहेव, बस ये जो कंपोनेंट है दिस इज डाइन और दिस कंपोनेंट इज डाइनोफाइल, ये डाइनोफाइल के साथ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप भी है, तो ये इस तरह का साइक्लिक कंपाउंड्स बनता है, बाइसाइक्लिक कंपाउंड्स बनते हैं। तो इंट्रामॉलिक्यूलर डाइलजेंडर रिएक्शन में जो है वो इंट्रा मॉलिक्यूल डाइलजेंडर रिएक्शन में ये बाइसाइक्लिक कंपाउंड्स बनते हैं। तो सब्स्टिट्यूटेड कीटीन्स फॉर्म साइक्लोब्यूटेन डायोन्स, तो ये सब्स्टिट्यूटेड कीटीन्स जो हैं दे कैन गिव, तो यहाँ पे ये 2+2 रिएक्शन हुआ है, 4 मेंबर रिंग बना है, बट कीटीन इटसेल्फ डाइमराइज इन द लिक्विड फेज टू फॉर्म बीटा इलेक्ट्रॉन। जब ये सब्स्टिट्यूटेड कीटीन होती है तो कीटीन मॉलिक्यूल होता है कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, जब ये सब्स्टिट्यूटेड है तो फिर ये कार्बन कार्बन बॉन्ड बनते हैं, ये बॉन्ड कार्बन कार्बन बॉन्ड बनेगा, यहाँ पे भी कार्बन कार्बन बॉन्ड बनेगा। जब ये हम यूज करते हैं सिंपल कीटीन, तो सिंपल कीटीन में क्या होता है कि वहां पर ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड एक बन जाता है, एक कार्बन कार्बन बॉन्ड बनेगा और एक कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है इनकी रिएक्टिविटी में, बट दीज आर 2+2 साइक्लोडिशन रिएक्शन ये दोनों जो है। इसके बाद 1-3 डाइपोलर साइक्लोडिशन रिएक्शन, ये अभी हम दूसरा सेशन स्टार्ट करेंगे 5 मिनट के बाद, तो हम वहां पर ये डिस्कस करेंगे 1-3 डाइपोलर साइक्लोडिशन रिएक्शन। तो इस सेशन में हमने जो पढ़ा है वो मैं थोड़ा सा दोबारा आपको ब्रीफ कर दूं। हमने पिछले लेक्चर में ये पढ़ा था कि डाइलजेंडर रिएक्शन क्या होते हैं, फिर हमने जो ये कहा था कि 4+2 फोटोकेमिकली थर्मली होता है, फोटोकेमिकली नहीं होगा, 2+2 फोटोकेमिकली होता है, थर्मली नहीं होगा। तो फिर उसके बाद आज हमने स्टडी किया है कि ये ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है कि एक सुपराफिशियल और एक इंटराफिशियल ओवरलैपिंग हो सकती है, स्मॉल मॉलिक्यूल्स में सिर्फ सुपराफिशियल होगी, लार्जर मॉलिक्यूल में दोनों हो सकती हैं। तो फिर इसी चीज को होमोल्यूमो को यूज करते हुए हमने ये कंक्लूड किया कि जो इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स हैं तो वो थर्मली इंटराफिशियल, फोटोकेमिकली सुपराफिशियल, ऑड नंबर जो है वो सुपराफिशियल और इंटराफिशियल,
ये वुडवर्ड हॉफमैन रूल्स फॉर साइक्लोडिशन रिएक्शन और फिर हेटरोडाइल जेंडर रिएक्शन की बात हुई, उसके बाद ये इनवर्स इलेक्ट्रॉन डिमांड, उसके बाद ये इफेक्ट हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स या इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप लगाने से क्या होता है, क्यों रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता है, तो वो एनर्जी गैप जो है वो कम हो जाता है होमोलूमो में, इस वजह से वो होता है। तो उसके बाद ये इंट्रा मॉलिक्यूलर डाइजेंडर रिएक्शन हमने पढ़ा, ये कुछ एग्जांपल 2+2 की, और जो नेक्स्ट सेशन में हमने पढ़ना है दैट इज 1-3 डाइपोलर साइक्लोडिशन रिएक्शन। तो 1-3 डाइपोलर साइक्लोडिशन रिएक्शन, अब हमने जो पीछे नॉर्मल साइक्लोडिशन रिएक्शन पढ़े थे वहां पे हमने ये कहा था कि डाइजेंडर रिएक्शन में कि एक डाइन जो डाइजेंडर रिएक्शन है उसमें एक डाइन जो है दैट रिएक्ट विद अ डाइनोफाइल। अब अ रिएक्शन बिटवीन अ 1-3 डाइपोलर कंपाउंड एंड डाइपोलरोफाइल इज नोन एज 1-3 डाइपोलर साइक्लोडिशन रिएक्शन, और इसमें 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइकल रिंग्स बनते हैं। ये जो है 1-3 डाइपोल क्या होते हैं, 1-3 डाइपोल इस तरह का कंपाउंड होते हैं जिनमें 2 पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो है वो 3 एटम्स में शेयर हो रहे होते हैं। ये पॉजिटिव और नेगेटिव जो है ये 3 एटम्स पे शेयर हो रहे होते हैं। अगर हम इसका दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएं तो पॉजिटिव चार्ज जो है वो इस कार्बन पे आ जाएगा। तो इस तरह ये जो 1-3 डाइपोल्स हैं उनमें 3 एटम्स में ये 2 चार्ज जो है पॉजिटिव और नेगेटिव ये शेयर हो रहे होते हैं। इनका रिएक्शन विद अ डाइपोलरोफाइल, डाइन का रिएक्शन हो रहा था डाइनोफाइल के साथ, डाइपोलर का जो रिएक्शन होगा वो होगा डाइपोलरोफाइल। तो ये डाइपोलरोफाइल कोई भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है दैट कैन एक्ट एज अ डाइपोलरोफाइल। तो इसमें इनका जो रिएक्शन है दिस इज जस्ट लाइक द डाइजेंडर रिएक्शन साइक्लोडिशन रिएक्शन है। ये जो नेगेटिवली चार्ज जो है इट विल अटैक एट दिस एंड एंड दिस डबल बॉन्ड विल अटैक दिस और ये पॉजिटिव चार्ज की तरफ चला जाता है एंड वी हैव दिस काइंड ऑफ द प्रोडक्ट। ये एक एग्जांपल है जिसमें हम ये एजाइड यूज कर रहे हैं और इसका रिएक्शन अगर हम ये ट्रिपल बॉन्ड के साथ करवाएं तो हमारे पास ये 1-3 डाइपोलर साइक्लोडिशन के नतीजे में ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स बनता है। और रॉल्फ ह्यूस्टन इन 1960 इसने सबसे पहले इनका मैकेनिज्म जो है वो स्टडी किया था और इनको इंट्रोड्यूस किया था 1-3 डाइपोलर साइक्लोडिशन रिएक्शंस को। इसलिए इस साइक्लोडिशन रिएक्शन को समटाइम ह्यूस्टन साइक्लोडिशन भी कहा जाता है जहां पे हम ये 1-3 डाइपोलर कंपाउंड यूज करते हैं। तो अब जब इन रिएक्शंस को हम पेरिसाइक्लिक में क्यों कंसीडर करते हैं उसके कुछ एविडेंसेस हैं, यानी कंसर्टेड रिएक्शन। पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस क्या होते हैं, कंसर्टेड रिएक्शंस। तो दीज आर द कंसर्टेड रिएक्शंस एंड देयर आर सर्टेन एविडेंसेस। फॉर एग्जांपल दीज रिएक्शंस आर रिजियोसिलेक्टिव। डाइजेंडर में भी हमने पढ़ा था कि दीज रिएक्शंस आर रिजियोसिलेक्टिव। Very little or no effect of solvent, ये हमने वहां पे भी पढ़ा था। Stereospecific with respect to the dipolarophile, यानी कि हमने जब डाइनोफाइल की स्टीरियोकेमिस्ट्री को स्टडी किया था डाइजेंडर रिएक्शन में, सेम उसी तरह यहाँ पे भी दीज रिएक्शन आर स्टीरियोस्पेसिफिक विद रिस्पेक्ट टू डाइपोलरोफाइल। अब यहां पर 2 पाई इलेक्ट्रॉन डाइपोलर फाइल जो है दैट विल बी 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम और डाइपोल जो है वो, अब हम अगर पिछली स्लाइड पे दोबारा जाएं तो यहां पे आप देखें कि ये जो डाइपोलरोफाइल है ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन दे रहा है और डाइपोल कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हैं इस रिएक्शन में, 2 ये नेगेटिव वाले और 2 ये कार्बन ये बॉन्ड डबल बॉन्ड वाले 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो इसमें 4 है। तो इसका जो बिहेवियर होगा वो सिमिलर डाइजेंडर रिएक्शन वाला होगा 4+2 की तरह का। 4+2 रिएक्शन हमने ये अगर हम पिछली स्लाइड्स पे जाएं तो हमने क्या कहा था कि 4+2 वाले थर्मली किस तरह होते हैं, सुपरफिशियल, और फोटोकेमिकली कैसे होंगे, इंटरफिशियल। जैसे ये डाइजेंडर रिएक्शन में हमने कहा था कि ये थर्मली रिएक्शन हो जाएगा, फोटोकेमिकली ये रिएक्शन नहीं होगा। तो इसमें भी क्योंकि
ये 4+2 इन्वॉल्व है, तो इसलिए ये रिएक्शन सुपरफिशियली होगा थर्मली और इंटराफिशियली होगा फोटोकेमिकली. तो एडिशन इज स्टीरियोस कंजर्वेटिव सुपरफिशियल और साइक्लोडिशन रिएक्शन सिमिलर टू द डायलजेल्डर रिएक्शन. और कुछ बुक्स में इसको जो है 2+3 लिखा हुआ है. 2+3 का मतलब है, मतलब हम नॉर्मली जो नंबरिंग करते हैं साइक्लोडिशन रिएक्शन की, वो हम नंबरिंग कर रहे होते हैं नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व. अगर हमने डायलजेल्डर रिएक्शन को 4+2 कहा था तो उसका मतलब था कि 4 इलेक्ट्रॉन एक कंपोनेंट में और 2 इलेक्ट्रॉन एक कंपोनेंट में. अब यहाँ पे भी 4+2 होना चाहिए था, लेकिन कुछ बुक्स ने इनको 2+3 लिखा है. दे यूज द नंबर ऑफ एटम इन्वॉल्व. अगर हम यहाँ पे जाएं तो ये देखें, 1, 2, 3 एटम इन्वॉल्व, 1 और 2 एटम इन्वॉल्व, 3+2 इसको नाम दिया. लेकिन जो सही रिकमेंडेड मेथड है दैट इज राइट दिस वन इन स्मॉल ब्रैकेट 2+3. जो IUPAC रिकमेंडेड तरीका है इनको रिप्रेजेंट करने का ये है 2+3. 2+3 का मतलब है कि नंबर ऑफ एटम्स इन्वॉल्व हैं. जब स्मॉल ब्रैकेट आएगा तो अंडरस्टूड हो जाएगा कि दिस इज 1-3 डाइपोलर साइक्लोडिशन रिएक्शन, या आप सिंपली इसको इस तरह 1-3 डाइपोलर साइक्लोडिशन रिएक्शन कह सकते हैं. ठीक है, अब ये जो डाइपोल्स होते हैं ये दो तरह के हो सकते हैं. Dipoles, two types of dipoles, allylenines या propagyl allylenines. अब जो allylenines की तरह के होंगे, allylenine इस तरह, ये allylenic compound होता है इस तरह का, और ये जो carbon carbon double bond और next carbon पे negative charge होता है, इस तरह के compound को हम कहते हैं allylenine. तो जो डाइपोल इस तरह की शेप का हो कि डबल बॉन्ड उसके बाद सिंगल बॉन्ड और नेक्स्ट कार्बन एटम पे के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो, तो उसको हम कहते हैं एलाइल टाइप. उस टाइप को क्या कहेंगे, एलाइल एनाइन. और ये बेंड शेप नॉर्मली होता है. और दूसरी जो टाइप है दैट इज प्रोपेगाइल एनाइन. ये प्रोपेगाइल एनाइन होता है कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड और नेक्स्ट कार्बन पे नेगेटिव. जो इस तरह का हो कि ट्रिपल बॉन्ड के बाद वाले एटम पे नेगेटिव चार्ज हो, तो उस टाइप को हम कहते हैं प्रोपेगाइल या एलिनाइल एनाइन. तो दीज आर नॉर्मली लीनियर. तो ये डिफरेंट डाइपोल्स हैं, 1-3 डाइपोल्स जो कि साइक्लोडिशन रिएक्शन में यूज हो सकते हैं. और इनकी शेप, ये इनकी जो टाइप है दैट इज एलाइल एनाइन की अभी हम बात कर रहे हैं. दो टाइप्स पड़ी है ना, एक है एलाइल एनाइन और दूसरी है प्रोपेगाइल या एलिनाइल एनाइन. तो ये जो एलाइल एनाइन पहली टाइप थी वो ये एजोमिथाइन जिलाइट, ये कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन और उसके बाद कार्बन पे नेगेटिव चार्ज. तो ये अगर हम देखें तो ये एलाइल एनाइन, ये जो एलाइल एनाइन है इससे मिलता है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड. यहाँ पे कार्बन की जगह पे नाइट्रोजन आ गया है, लेकिन वो है डबल बॉन्ड और उसके साथ सिंगल बॉन्ड और नेक्स्ट एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज. तो ये एजोमिथाइन जिलाइट, ये इसके डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकते हैं. एजोमिथाइन आई मीन, उसके बाद ये नाइट्रोन, एजामीन्स, एजॉक्सी कंपाउंड, नाइट्रो कंपाउंड, कार्बोनाइल जिलाइट्स. जब ये ऑक्सीजन इन्वॉल्व हो जाएगी, सेंट्रल एटम जो है वो ऑक्सीजन हो जाएगा, तो देन इट विल बी कार्बोनाइल जिलाइट, कार्बोनाइल अमीन, कार्बोनाइल ऑक्साइड, नाइट्रोसो आई मीन, नाइट्रोसो ऑक्साइड, ओजोन. ओजोन आपने सुना होगा. These are the 1-3 dipoles which are allyl anion type के, दो एटम्स के दरमियान डबल बॉन्ड और नेक्स्ट सिंगल बॉन्ड और उससे नेक्स्ट एटम के ऊपर ये नेगेटिव चार्ज होगा. तो इस तरह के जो दीज आर डिफरेंट एलाइल एनाइंस. प्रोपेगाइल एनाइंस की ये डिफरेंट फॉर्म्स हैं, जिनमें नाइट्राइल जिलाइट्स, नाइट्राइल आई मीन्स, नाइट्राइल ऑक्साइड्स, या ये डाइजोनियम बेस्ड है, डाइएजो अल्केन्स, एजाइड्स, नाइट्रोसोक्साइड. इन सब में आप देखें कि ट्रिपल बॉन्ड है, एक एटम दूसरा एटम और नेक्स्ट एटम पे नेगेटिव चार्ज है. तो दीज आर प्रोपेगाइल
टाइप्स 1 3 डाइपोल्स। तो अब ये तो हो गए डाइपोल। डाइपोलरोफाइल क्या है? तो अल्कीन या अल्काइन, दे कैन एक्ट एज अ डाइपोलरोफाइल। कोई भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, दे कैन एक्ट एज अ डाइपोलरोफाइल। तो या कार्बोनल आई मीन्स कार्बोनल में क्या होता है? सी डबल बॉन्ड ओ। आई मीन्स में क्या है? सी डबल बॉन्ड एन। दे कैन एक्ट एज डाइपोलरोफाइल। उस वो कंपाउंड जिनमें सी डबल बॉन्ड एन या सी डबल बॉन्ड ओ हो तो वो भी डाइपोलरोफाइल हो सकते हैं। तो मल्टीपल बॉन्ड होने चाहिए, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। तो दीज आर द रिएक्शन मैकेनिज्म। ये जो 1 3 डाइपोलर कंपाउंड्स हैं, दे रिएक्ट विद डाइपोलरोफाइल इन अ कंसर्टेड मैकेनिज्म। कंसर्टेड रिएक्शंस कौन से होते हैं? जिनमें कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता, एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनती है, और साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनने के बाद जो है वहां पे कोई इंटरमीडिएट नहीं है, और यहाँ पर आपके पास ये साइक्लोडिशन की तरह का रिएक्शन है। दो नए सिग्मा बॉन्ड बनेंगे एंड वी आर हैविंग दिस साइक्लिक कंपाउंड्स। अब क्योंकि यहाँ जी जो 1 3 डाइपोल्स हैं, इनमें हेटरो एटम्स इन्वॉल्व हैं, ऑक्सीजन नाइट्रोजन एक्सेट्रा। तो जो ये रिंग बनेगा, इट विल बी अ हेटरोसाइक्लिक रिंग। हेटरोसाइक्लिक रिंग कौन से होते हैं? कि ऐसे रिंग जिनमें कोई एक या एक से ज्यादा कार्बन की जगह पे कोई हेटरो एटम आ जाए, ऑक्सीजन नाइट्रोजन सल्फर, तो ये हेटरो एटम्स बन सकते हैं। जब एलाइल एनाइन रिएक्ट करता है तो ये इस तरह सैचुरेटेड टाइप बनता है, और जब प्रोपेगाइल एनाइन आता है तो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड भी जनरेट होता है। तो उसी तरह ये इस पे अटैक कर रहा है, डबल बॉन्ड इस पे, और ये पॉजिटिव चार्ज की तरफ चला जाएगा। ओजोनोलाइसिस आपने पढ़ा होगा एफएससी में भी, बीएससी में भी, कि एक रिएक्शन होता है कि ओजोन रिएक्ट करता है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ और उसकी ऑक्सीडेशन होती है। तो वहां पर दो दफा साइक्लोडिशन, 1 3 डाइपोलर साइक्लोडिशन होती है। मसलन सबसे पहले जब ओजोन और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड मिलते हैं तो यहां पर आप देखें ये 1 3 डाइपोलर साइक्लोडिशन रिएक्शन होगा तो ये मोलोजोनाइड बनता है। ये हमने वहां बनाया था, आपको याद होगा एफएससी में या बीएससी में, कि ये सबसे पहले मोलोजोनाइड बनता है। ये मोलोजोनाइड है, ये इसी तरह बनता है 1 3 डाइपोलर साइक्लोडिशन रिएक्शन, एंड दिस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड विल अटैक एट दिस ऑक्सीजन एंड वी हैव दिस मोलोजोनाइड। अब जो हमने पढ़ा था के डाइजल्ड रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं, दे कैन गो इन बैकवर्ड डायरेक्शन, तो उसको हमने कहा था रेट्रो डाइजल्ड रिएक्शन। तो दीज रिएक्शंस आर आल्सो रिवर्सिबल। ये रेट्रो 1 3 डाइपोलर साइक्लोडिशन हुई और आपके पास ये दो कार्बोनाइल कंपाउंड बनते हैं, रेट्रो 1 3 साइक्लोडिशन, और ये दोनों कंपाउंड मिलके दोबारा 1 3 डाइपोलर साइक्लोडिशन रिएक्शन होता है। ये ऑक्सीजन, अब यहाँ पे आप देखें ये डाइपोलरोफाइल जो है, इट इज सी डबल बॉन्ड ओ, जो हमने अभी पिछली स्लाइड में बात की थी कि कोई भी मल्टीपल बॉन्ड, इट इज कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड या कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, ये कोई भी डाइपोलरोफाइल के तौर पे एक्ट कर सकता है। तो यहां पर भी वो जो कार्बोनाइल है, इट इज एक्टिंग एज डाइपोलरोफाइल। एक और 1 3 डाइपोलर साइक्लोडिशन रिएक्शन हुआ और ये ओजोनाइड बना, और फिर उस ओजोनाइड की आगे हम रिडक्शन करते हैं तो हमारे पास ये कंपाउंड बनते हैं। इट इज द कंप्लीट मैकेनिज्म ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन बाय ओजोन, ओजोनोलाइसिस। तो इसमें जो रिएक्शन हो रहा है ओजोन का, दैट इज 1 3 डाइपोलर साइक्लोडिशन रिएक्शन। यहाँ पे भी हुआ है, ये रेट्रो हुआ है, फिर उसके बाद ये दोबारा हुआ है। जब ये रेट्रो हुआ है ना तो वो डिफरेंट डायरेक्शन में हुआ है। तो इस तरह ये यहाँ पे 1 3 डाइपोलर साइक्लोडिशन रिएक्शन हुआ है। तो दीज रिएक्शंस आर स्टीरियो स्पेसिफिक। मतलब ये हमारे पास एक डाइपोल है, ये कार्बन हेटरो एटम, ये डबल बॉन्ड, फिर ये कार्बन आ गया। तो यहां पे आप देखें कि जो स्टीरियो केमिस्ट्री इसके सब्स्टिट्यूएंट्स की है
वो मेंटेन रहती है इन द प्रोडक्ट। मसलन ये यहाँ पर ये एम और ओ जो है दे आर ऑन द सेम साइड, एन एंड पी आर ऑन द सेम साइड, वो सेम साइड पे रहेंगे। सिमिलरली विद रिस्पेक्ट टू द डाइपोलरोफाइल, जो सिज हैं वो सिज रहेंगे, बी और डी सिज हैं तो ये भी सिज है, ए और सी यहाँ पे सिज हैं तो ए और सी ए की साइड पे है। तो जो डाइपोलरोफाइल के सब्स्टिट्यूएंट्स और डाइपोल सब्स्टिट्यूएंट्स उनकी स्टीरियोकेमिस्ट्री रिटेन रहती है। सिमिलरली जो डाइजल्डर रिएक्शन में हो रहा था वहां पे भी हमने इसको बड़ी डिटेल से स्टडी किया था कि ये रिएक्शन जो है स्टीरियो स्पेसिफिक है, यहाँ पे भी ये रिएक्शन स्टीरियो स्पेसिफिक होते हैं। तो दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ डाइजल्डर रिएक्शन। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो हम डाइपोलरोफाइल यूज कर रहे हैं, दिस इज अ सिस एंड दिस डाइपोलरोफाइल इज ट्रांस। तो ये जो प्रोडक्ट बनी है इसमें आप देख लें, ये दोनों जो एस्टर ग्रुप्स हैं दे आर ऑन द सेम साइड, सिस थे तो दे आर ऑन द सेम साइड, मिथाइल ग्रुप दोनों सिस हैं तो दे आर ऑन द सेम साइड। तो यहाँ पर मिथाइल ग्रुप अपोजिट साइड पे है, एस्टर ग्रुप्स अपोजिट साइड पे हैं, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये दोनों एस्टर ग्रुप अपोजिट साइड पे हैं, दोनों मिथाइल। तो दीज रिएक्शंस आर द स्टीरियो स्पेसिफिक। द स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट्स विल be the same in the product. तो ये कुछ examples हैं 1,3 dipolar cyclohexane reactions की। ये iso oxazoles, तो these 1,3 dipolar cyclohexane reaction is a very commonly used method for the synthesis of heterocyclic compounds, क्योंकि 1,3 dipolar cyclohexane में जो प्रोडक्ट बनती है दैट इज अ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। जब ये एजाइड अल्काइन के साथ मिलता है तो वी हैव दिस ट्राई एजोल्स, ये तीन नाइट्रोजन यहाँ पे आ जाएंगे। तो ये एक बॉन्ड बनेगा इस कार्बन का, इस नाइट्रोजन का इस कार्बन से और इस नाइट्रोजन का इस कार्बन से, तो इस तरह हमारे पास ये आ जाता है। तो यहाँ पे बॉन्ड बन रहा है कार्बन कार्बन बॉन्ड एंड ऑक्सीजन कार्बन बॉन्ड। नाइट्राइल जिलाइड्स गिव पायरोल डेरिवेटिव्स, ये नाइट्राइल जिलाइड्स हैं, जिलाइड्स कहते हैं जब ये पॉजिटिव चार्ज जो है वो एडजस्टेंट एटम होगा, तो वहां पर ये लाइट जो है दे कैन एक्ट एज अ डाइपोल। तो ये आवाज आ रही है बेटा मेरी आपको? हेलो सर, आ रही है? हाँ अच्छा चले। तो ये आपके पास हेड पायरोल डेरिवेटिव्स बन सकते हैं। इसी तरह डाइएजो अल्केन्स यील्ड पायराजोलिन विद अल्कीन्स, ये अल्कीन के साथ रिएक्शन होगा डाइएजो अल्केन्स का, तो ये हमारे पास पायराजोलिन्स बन जाती हैं। तो ये डिफरेंट टाइप्स हैं। तो इसी अच्छा फॉलोइंग रिएक्शंस गिव्स दोज व्हिच आर यूज्ड फॉर preparing 1,3 dipolar compound in situ. इसमें जो 1,3 dipolar compound है उनको reaction mixer के अंदर ही बनाया जाता है। In situ का क्या मतलब है कि reaction mixer के अंदर ही आप उनको generate करते हैं। ऑक्साइम अगर आप यूज करें, ऑक्साइम क्या होते हैं, ऑक्साइम सी डबल बॉन्ड एन और एन के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगाओ तो उसको हम ऑक्साइम कहते हैं। और अगर हम इसके ये रिप्लेस कर दें हाइड्रोजन को विद क्लोरीन तो ये हमारे पास आ जाएगा सब्स्टिट्यूटेड ऑक्साइम, और उसकी आगे बेस के साथ ट्रीटमेंट से वी कैन हैव दिस नाइट्राइल ऑक्साइड। तो ये रिएक्शन मिक्सर के अंदर ही हम बना सकते हैं। इसी तरह सिमिलरली यहाँ पर ये हम सी डबल बॉन्ड एन और ये आगे एन एच आर है तो यहाँ पर हम ये आईमीन बना सकते हैं। इसी तरह नाइट्राइल जिलाइड्स बनाए जा सकते हैं। तो ये रिएक्शन समटाइम ये रिएक्शन मिक्सर के अंदर ही जनरेट किए जाते हैं। इसके बाद आ जाती है रिजियो सिलेक्टिविटी। डाइजल्डर रिएक्शन में हमने रिजियो सिलेक्टिविटी का जिक्र किया था।
कि अगर एक से ज्यादा पॉसिबिलिटी है तो रिजियो सिलेक्टिव रिएक्शन जो डायजेटिव रिएक्शन है दे आर रिजियो सिलेक्टिव, एक साइड पे रिएक्शन जो है वो ज्यादा फिजिबल होगा तो मेजर प्रोडक्ट वो बनेगी। तो इन रिएक्शन की रिजियो सिलेक्टिव, दीज रिएक्शन आर ऑल्सो रिजियो सिलेक्टिव, और ये रिजियो सिलेक्टिव जो है ये हम कल पढ़ेंगे, आज यही तक आप।